कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बैठिए बैठिए, बैठ जाओ। कल जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। कल जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट हो गया? ज्ञान मत पिलाओ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 में, मॉड्यूल नंबर 3 में, एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल 3 में जो होमवर्क दिया था EAR का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, कोई डाउट है? क्या था? पोटेशियम है, पोटेशियम भाई, ठीक है। जगह नहीं बची वो क्वेश्चन लिखने की, तो वो POT लिख के छोड़ दिया कि बच्चा समझ जाएगा। उससे अच्छा तो K लिख देते, है ना? हाँ ओके। एक्सरसाइज 1 का 56, 1 का 56 कहाँ है? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है? टर्मिनल अल्काइन, सफेद PPT देता है। जो पहले नंबर पर आयन होगा उसके पास H+ होता है, और H+ होता है तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। देता है या नहीं देता, क्या पूछा है? नहीं देता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं देता, ठीक है। इंटरनल वाला नहीं देगा। जैसे ब्यूट टू आयन है, इन दोनों कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं देगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में, तो फिर क्या है? सुस्ता रहती थी। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 35, 35 का रिएक्शन प्रोपीन के साथ करना, इसका रिएक्शन HI के साथ करा रहे हैं, ठीक है। ये तो कोई आयोडाइड होता तो हाइड्रोजन हटा के, आयोडीन हटा के हाइड्रोजन लगाता, ये तो नॉर्मल EAR हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन 2। फर्स्ट का 2nd क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1st का 2nd क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज 1st का 2nd क्वेश्चन है, प्रोपेनोइक एसिड से बनने वाले सॉल्ट को प्रोपियोनेट बोलेंगे, बेंजोइक एसिड से बनने वाले सॉल्ट को बेंजोएट बोलेंगे, और पोटेशियम है तो पोटेशियम लगा दो। फिर है ब्यूटायरिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट को ब्यूटायरेट बोलेंगे, और उसके बाद इसके 3-मिथाइल ब्यूटेनेट है, तो 1, 2, 3। अब इसका करा दिया आपने इलेक्ट्रोलिसिस, यही है। जिस कार्बन से CO2 निकलता है वहां पर क्या बनता है? डॉट। जिस कार्बन से CO2 निकलेगा वहां क्या बनेगा? डॉट। अब ऐसे डॉट या तो आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे डॉट आपस में जुड़ जाए, मतलब एक और ऐसा का ऐसा डॉट आएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन, या दोनों में क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो दोनों में क्रॉस हो जाएगा तो कुछ इस तरह का फोटो बन जाएगा। तो ये भी बन जाएगा ब्यूटेन, ये भी बन जाएगा 2-मिथाइल पेंटेन, ये भी बन जाएगा 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन, बाकी नहीं बनेगा, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर बोल, फर्स्ट एक्सरसाइज का। ओके
सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन बताना। ओके चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डाउट पूछना भी चाहिए था। एच प्लस की प्रेजेंस में कार्बो कैटाइन बनाना। अब कैटाइन जो है, ए पर भी 2 डिग्री बनेगा और बी पर भी 2 डिग्री बनेगा। दोनों जगह पहले बनाकर देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर ए पर कार्बो कैटाइन बना तो इस तरह का बनेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो पड़ोस में चला जाएगा। और अगर यहां पर एच प्लस की प्रेजेंस में कार्बो कैटाइन बी पर बना तो बी के पास अल्फो हाइड्रोजन कितना है, 4। तो पहले तो बताओ कैटाइन ऊपर वाला बनेगा नीचे वाला बनेगा, नीचे वाला। और जब ये कैटाइन बना, अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पड़ोस में जाएगा, यहां जाकर तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। हर एक स्टेप पर रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट, सेकंड का 15। देखो सेकंड का 15 जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मगर कुछ है नहीं लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। क्या है देखते हैं। इसने बोला कि भाई एक कंपाउंड है ए, रिएक्ट विद ब्रोमीन, मतलब एक कंपाउंड ए है, इसकी रिएक्शन Br2 रोशनी के साथ कराए तो रिएक्शन होता है FSR, अभियान जला, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। सोडियम ड्राई इथर से रिएक्शन कराने पर वुड्स रिएक्शन, जहां से Br हटेगा वहां क्या बनेगा, डॉट, और दोनों डॉट डॉट कंबाइन कर कर क्या बनाएंगे, आरा। इसने बोला जो प्रोडक्ट बना है इसमें 4 से कम कार्बन होने चाहिए, मतलब यहां पर कार्बन 2 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2 होते यहां कितने हो जाएंगे, 4, मतलब यहां कार्बन कितना, 1, तो यहां कितना, ये, और यहां ये, तो क्लियर है ये क्या है, मीथेन, ठीक है। और कोई डाउट है सेकंड में, 16 क्लास में करा दिया था एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड में, और कोई डाउट नहीं सेकंड एक्सरसाइज में, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17, में एक एसिड आपको दिया है और इसमें आपने ऐड करा लाइम 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 सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है NaOHCO जो है सोडा लाइम होता है, इससे क्या लेकर भाग जाएगा, CO2, और CO2 लेके भागने के बाद ऐसा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। ये तो साहब ए बन गया, ठीक है। इसी का रिएक्शन सबसे पहले आपने NaOH के साथ कराया, तो NaOH एक तरह का बेस है, बेस किसे देखेगा, एसिड को, तो पहले क्या बन जाएगा, सॉल्ट, तो यहां पर सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। और जब सोडियम का सॉल्ट यहां पर बना है, इस सोडियम के सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जिस कार्बन से CO2 निकलता है वहां क्या बनता है, डॉट। ऐसे डॉट एक बन रहे या बहुत सारे, बहुत सारे, तो दोनों डॉट डॉट कंबाइन कर कर आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो यहां पर ये बी बना और ये क्या बना, सी। अब आपसे पूछा व्हाट इज इनकरेक्ट, ये कह रहा है कि ए साइक्लोहेक्सेन है, सही बात है, ये कह रहा है कि सी ऐसा है, सही बात है, ये कह रहा है कि बी ऐसा है, सही बात है, ये कह रहा है डी ऐसा है जो दिया है, गलत है, मतलब सी ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, नहीं बना। एक्सरसाइज थर्ड में और कोई डाउट नहीं है, मैंने बीबी नंबर 4 भी दिया था इसमें, उसमें कोई डाउट है। चलिए देखो, 4-5 लेक्चर के बाद हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है नेम रिएक्शन, और वो नेम रिएक्शन ऐसे नेम रिएक्शन है, अकेला नेम रिएक्शन कोई भी कर लेता है, 5 नेम रिएक्शन एक साथ आके स्टूडेंट को बर्बाद कर देती है, हमें बर्बाद नहीं करेगी, इसलिए हम डेली उस पर 5-6 मिनट, 5 से 10 मिनट उस पर एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बर्बाद नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब हम जो है बहुत सारी रटने वाली चीजों को रटते हुए आगे निकल गए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले जो बोर्ड पर मैंने फोटो बनाया, ये बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। कितनी करीना है इसमें, क्या बोले इसे, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड? चलिए अच्छा ये बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन, कितनी करीना, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड? अच्छा एल्डिहाइड को अल बोलते हैं या ऑल बोलते हैं, इसे मिथेनल बोले या मिथेनॉल, इसे इथेनल या इथेनॉल? आईयूपीएसी नाम है इसका, नाम आईयूपीएसी क्या है, इथेनॉल। कॉमन नाम एसिड एल्डिहाइड, कॉमन नाम फॉर्मेल्डिहाइड, आईयूपीएसी नाम मिथेनॉल। अच्छा ये बताओ बोर्ड पर जो लिखा ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो ये ऑन है या ऑल है, तो इसे बोलेंगे एसीटोन। कॉमन नाम क्या है, एसीटोन। अच्छा यहां पर बोर्ड पर फोटो लिखा, ये बताइए क्या इसमें एक व्यंजन दिख रहा है, व्यंजन है ये, क्या इसमें एक व्यंजन दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। अच्छा बताओ इसमें आपको कितु व्यंजन नजर आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, बेंजोफिनॉन। ठीक है बच्चों, पांच नेम रिएक्शन है जो हमारा शिकार करती है। सबसे पहली नेम रिएक्शन का हम शिकार कर रहे हैं, और लिखेगा कोई नहीं, दिमाग पे लिखेंगे, टाइम लगेगा, 4-5 लेक्चर लगेंगे, मगर बिजली की रफ्तार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तरह हो जाएगी रिएक्शन। सोडियम बोरोहाइड्रेट याद है, कितनों को सब कुछ पता है, मन में बोल भी लिया हमने, ठीक है, मैंने नहीं पूछा तब भी आपको पता लग गया। ऐसे कैसे पांच रिएक्शन कर दूंगा बस, क्यों, क्योंकि पूरे चैप्टर में बहुत खतरनाक चैप्टर है जो उसको हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा, भी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, हेलो फॉर्म। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, और नीट एग्जाम का तो फेवरेट है, तो कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, मगर कंडीशन अप्लाई। ठीक है बताओ, अब मैं नाम बोल रहा हूं आप बताना एल्डिहाइड है कीटोन है, मिथेनल, इथेनल, एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, कीटोन दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉल। वो नशा वसा करके आया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉन, एसीटोन, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, मिथेनल, इथेनल, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्लियर है? ओके फोटो भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि फोटो के ऊपर बहुत दिन से काम कर रहे हैं बच्चों। जनरली हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं कि sp2 कार्बन से डायरेक्टली एडेज sp3 कार्बन, क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है एक और अल्फा कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और उसके बाद वाला कार्बन बीटा, और उसके बाद वाला गामा। तो साहब यहां पर मैंने ये फोटो लिखा, बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन, अब बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन, ये बताओ ये वाले भाई साहब एल्डिहाइड है या कीटोन, वो सारे एल्डिहाइड कीटोन हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, जिसमें सीओ के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो, कितने हाइड्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन। तो बताइए यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। पहले तो बोल अल्फा क्या है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोला, अल्फा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा क्या बोला, अल्फा। वो सारे एल्डिहाइड कीटोन हेलो फॉर्म दे देते हैं, जिसमें सीओ के बगल वाले कार्बन पर कितु हाइड्रोजन, 3, सीओ के बगल वाले कार्बन पर कितु हाइड्रोजन, 3, वो भी एक ही कार्बन पर कितने चाहिए, 3, तो कौन सा रिएक्शन दे देगा, हेलो फॉर्म। बताइए क्या ये कंपाउंड हेलो फॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा, एल्डिहाइड का फोटो दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है, मन की आंखों से। तो भाई साहब ये बताओ क्या एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा वहां पर 3 हाइड्रोजन है, हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा। अच्छा बताइए इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा, सॉरी एसिड एल्डिहाइड हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा, देगा, इथेनल है या नहीं है, आईयूपीएसी नाम, हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा,
इथेनॉल आ जाए, एसिटल्डिहाइड आ जाए, घबराना मत, फोटो बनाना, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? डरना नहीं है कि फोटो देखते कि नहीं होगा ये हमसे, ठीक है? बताइए हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? हेलोफॉर्म एल्डिहाइड देता है, कीटोन या दोनों? सीओ के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? तीन। कितने? तीन। बताइए क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा? करेगा, उसने बोला करेगा, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ, करेगा नहीं करेगा? बताइए सीओ के बगल वाले कार्बन पर यहाँ कितने हाइड्रोजन, और यहाँ और दो चार एक ही पर, ठीक है? जोड़ मत लेना कि दो इसके चार हो गए सर दे देंगे, ठीक है? बताइए क्या हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा, करेगा नहीं करेगा? अच्छा बताओ क्या ये हेलोफॉर्म देगा, बगल में देगा, बगल में देगा? बताइए क्या ये हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा या नहीं देगा? एम्स में क्वेश्चन आया था। अब बताओ क्या ये हेलो फॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा? आप करेगा, आप करेगा, आप करेगा या नहीं करेगा? बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने हेलो फॉर्म दे जाए, देगा नहीं देगा? हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा? क्या ये कहानी क्लियर है? अच्छा बताओ हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा? हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म। अच्छा ये बताइए पापियों क्या ये हेलो फॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा? जो तीन हाइड्रोजन नहीं है बगल वाले अल्फा पर, ठीक है? हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा? हेलो फॉर्म एल्डिहाइड देता है, कीटोन। कितने हाइड्रोजन, बगल में या बहुत दूर? ओके okay. हेलो फॉर्म एल्डिहाइड देता है, कीटोन। जैसे पांच नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, मुझे लगेगा दो तीन लेक्चर के बाद एक क्विज अपलोड करूंगा, ठीक है? यस नो वाली, कौन देगा कौन नहीं देगा? अभी रुकिए, एक और नेम रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल। क्या नाम है? एल्डोल। हेलो फॉर्म कौन देता है? और एल्डोल भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, ठीक है? एल्डोल भी एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, मगर कंडीशन अप्लाई, वो सारे एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल रिएक्शन देता है जिसमें सीओ के बगल वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन, कितना हो? एक। मिनिमम कितना? एक। बताइए एल्डोल देगा और हेलो फॉर्म? अरे हम सुकून के साथ, ठीक है एल्डोल, हेलो फॉर्म। बताओ पापियो एल्डोल क्यों? अच्छा यहां एक होता है, गिन भाई, एक दो तीन चार पांच। बर्बाद करोगे शनिवार के दिन करीना को, ठीक है? क्या पांच बॉन्ड बना लेगी क्या शनिवार को? बरसात के मौसम में बन जाएंगे तो फिर यहां हाइड्रोजन है या नहीं है? बताओ, अब बताओ एल्डोल, एल्डोल है? अच्छा बताओ एल्डोल देगा या नहीं देगा? और हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म बताइए, हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा? एल्डोल, 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 क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता है मगर हेलो फॉर्म नहीं देता, या नहीं देता? ओके सुकून के साथ, अभी जो है एल्डोल, 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 एल्डोल देगा या नहीं देगा? नहीं देगा एल्डोल, हेलो फॉर्म एल्डोल, एल्डोल, हेलो फॉर्म एल्डोल, हेलो फॉर्म एल्डोल, हेलो फॉर्म एल्डोल, हेलो फॉर्म एल्डोल, हेलो फॉर्म। क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता है मगर हेलो फॉर्म नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है एल्डोल हेलो फॉर्म दोनों देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलो फॉर्म दोनों नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता मगर हेलो फॉर्म नहीं देता? ठीक है बताइए एल्डोल, हेलो फॉर्म आपकी आंखों के सामने हेलो फॉर्म दे देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे? ये भी एल्डोल दे देगा? नहीं देगा,
मना कर दिया भाई ने, ठीक है, घबराना मत, गलतियां करनी है, मैं इसीलिए जो है काम कर रहे हैं। बताओ एल्डोल क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता मगर हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है? ज्ञान निपला ना, यस नो में आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि ये तो कोई भी बोल देगा ना, ठीक है, वहां एक टिक करना पड़ेगा आपको। क्या ये वही कंपाउंड जो हेलोफॉर्म देता है मगर एल्डोल नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है? ऐसे पांच एक साथ आते, कितनी आती है? पांच। बताओ हेलोफॉर्म और एल्डोल कौन देते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेलोफॉर्म के लिए अल्फा 3, एल्डोल के लिए, अभी मैं ऐसे भी तो बर्बाद करूंगा आपको, हेलोफॉर्म के लिए 3, एल्डोल के लिए 1। ओके, अगला रिएक्शन होता है जिसका नाम है केनिज़ारो, कोनिज़ारो, कोनिज़ारो, इसका नाम है केनिज़ारो मगर हम प्यार से बोलेंगे कोनिज़ारो। क्या बोलेंगे? 8:45 से पहले कोई घर कोई नहीं जा रहा, ठीक है, इसका नाम क्या है? केनिज़ारो। क्या नाम है? केनिज़ारो। अब बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, देखो केनिज़ारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड देता है, ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड, ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड, और वो भी एल्डिहाइड वो देता है जिसके पास अल्फू 0 हो। केनिज़ारो कौन देता है? एल्डिहाइड, वो भी वो देता है जिसके पास अल्फा 0 है। ये टॉपिक बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे नफरान है, नफरान है, ठीक है, मेरा पहले दिन नफरान अजीब सा लग रहा था, है केटाइन न्यूट्रल बना रहे, पता नहीं क्यों बना रहे, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, मगर धीरे धीरे अब समझ में आया ना, कहीं डायरेक्टली इन्वर्सली रटना ही नहीं है, ESR में इंटरमीडिएट केटाइन, ER में केटाइन, न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके। ओके बताइए केनिज़ारो रिएक्शन ओनली कौन देगा? एल्डिहाइड मगर अल्फा 0, बताइए क्या ये केनिज़ारो देगा या नहीं देगा? क्योंकि तो एल्डिहाइड किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, तो वहां हाइड्रोजन भी नहीं है, बताइए क्या ये आपकी आंखों के सामने केनिज़ारो देने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? क्या ये केनिज़ारो देगा? एल्डोल, एल्डोल, हेलो फॉर्म, ओके बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने केनिज़ारो दे जाए? केनिज़ारो देगा या नहीं देगा? अच्छा केनिज़ारो एल्डिहाइड देता है या सिर्फ कीटोन, और वो भी अल्फा, हेलोफॉर्म और एल्डोल कौन देगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, हेलोफॉर्म के लिए 3, एल्डोल के लिए 1, केनिज़ारो, केनिज़ारो 0, बताइए क्या ये केनिज़ारो देगा? केनिज़ारो पहले बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन है, गलती यही होती है, अल्फा गिनने लग जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सोच रहे क्यों नहीं देगा, इसकी इतनी औकात है क्या जो, ठीक है बताओ केनिज़ारो क्यों नहीं दे रहा, क्या एक्सप्लेनेशन? ठीक है, क्योंकि कीटोन है। केनिज़ारो सुकून के साथ, दिमाग का दही होता मगर मक्खन बनता दही के बाद, केनिज़ारो, 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 अच्छा ये बताओ क्या ये केनिज़ारो देने की गुस्ताखी करेगा? तरालीस आया है, ठीक है बताओ करेगा नहीं करेगा? केनिज़ारो देगा, केनिज़ारो, केनिज़ारो, क्या नहीं जा रहे हो? क्या नहीं जा रहे हो? क्या नहीं जा रहे हो? एल्डोल क्या नहीं जा रहे हो? हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, एल्डोल क्या नहीं जा रहे हो? एल्डोल क्या नहीं जा रहे हो? हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, एल्डोल क्या नहीं जा रहे हो? एल्डोल क्या नहीं जा रहे हो? हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, ऐसे पांच है, कितने हैं? पांच, मगर आज हम 3 ही, क्योंकि दिमाग का भी एक लिमिट होता है, गर्म हो जाता है हमारा, तो वैसे ही डिफेक्टेड है, ठीक है, ओके, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है,
अब रफ्तार के लिए तैयार है आप लोग? आर यू रेडी? आर यू रेडी और नॉट रेडी? एवर रेडी? सोडियम क्लोराइड कितनों को, एसिटोलाइड एलडीहाइड की कौन, इथाइल कितनों को, दो को, साइनर इस्टर को, एलडीहाइड, एनओटू को एनएसटू बनाना आता है, क्या डालेंगे, एसएनएससीएल या फिर सीएलएचटूपीडी। अब आप ही भूल गए, बताओ। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, हेलो डॉग, कहीं जा रहे हो, क्या ये वही कंबाइन जो अल्ट्रासाउंड दोनों देता मगर अल्ट्रासाउंड भी देता, क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता है और केनिजारो भी देता है? ये ठीक था यार, इसने यू करके यू घुमाया घर में, बहुत खतरनाक था यार एक्शन। ठीक है, एल्डोल, हेलो फॉर्म, केनिजारो, हेलो फॉर्म, और एल्डोल, और केनिजारो। अच्छा, हेलो फॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, 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 चाहिए कंपाउंड जो एल्डोल देता मगर हेलोफोन के लिए जो नहीं देता। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, कुछ समझ आया? प्रयास जारी रखें। ठीक है, ए और बी में से एक ऑप्शन बोलना। ठीक है, रेडी और नॉट रेडी? दोनों में से वो ऑप्शन बताइए जो कहीं जरूर नहीं देता। दोनों? ओके ओके, ये मैंने सही कराया, ध्यान रखना। ठीक है, रेडी? बताओ। एल्डोल होता है, प्रोसेस का पार्ट है ये। ठीक है, आप भी बोलेंगे आंसर ए होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ ना कि आज ही चैप्टर बहुत खतरनाक है और पूरे चैप्टर में 5 नेम रिएक्शन और इसी 5 जगह जो है ये 5 चीजें एक साथ आती है। साथ में डिवाल भी आता है, साथ में सोडियम बोराइडेट भी आता है, साथ में लाह भी आता है, साथ में मुंड मुंड भी आता है और साथ में रेड फॉस्फोरस एचआई भी आता है और उसके बाद वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब देखो, उनका तो शिकार हमने पहले कर लिया, इनका अगले 4-5 दिन में कर लेंगे, खत्म कर देंगे उसको। वो जैसे खत्म होना चाहता वो हमें खत्म करने आता, हमने उसका शिकार कर लिया। ठीक है, तो अब देखो, क्वालिटी चीज सीखने के लिए टाइम तो लगता है ना। अब 8:45 आप बोलते हो कि सर, अभी देखो 30 मिनट चले गए हमारे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब यू ऑल आर इमोशनली ब्लैकमेल। ठीक है, बताओ। हेलो फॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, दोनों में से वो ऑप्शन बताइए जो हेलो फॉर्म एल्डोल दोनों देता है। बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी हेलो फॉर्म नहीं देता। ओके ओके, अभी गेम स्टार्ट कहां करा? लेवल तो, लेवल ऐसे थोड़ी बढ़ते हैं, लेवल तो ऐसे इस तरह से बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, बताइए, अभी तो सीख रहे हैं, गेम का लेवल बढ़ता हुआ, मतलब बरसात आई, आपने जो है कागज का जहाज बना के चला दिया और बोले हम बिजनेसमैन है। क्यों कि 5 जहाज चल रहे हैं हमारे। ठीक है, ए बी सी तीनों में से बताइए, कहीं जा रहा कौन नहीं देता? तो जाओ कौन देता है, तीनों में से वो ऑप्शन बताइए जो एल्डोल देता है मगर हेलोफोन भी देता है, तीनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो एल्डोल हेलोफोन दोनों देता है मगर कहीं जाओ नहीं देता। बीवी तो कहने जा रहा नहीं देता। अच्छा, ओ या, कहने जा रहा एल्डोल, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, कहने जा रहा। चारों ऑप्शन में से वो बताइए जो केनिजारो देता है, चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो एरोमेटिक है और केनिजारो देता है। केनिजारो एरोमेटिक है और केनिजारो देता है, कौन है? टी, समझ में आ रहा है? चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो हेलो फॉर्म देता है। हेलो फॉर्म के लिए 3, एल्डोल के लिए केनिजारो, हेलो फॉर्म और एल्डोल कौन देगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, और केनिजारो ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, पक्का? हेलो फॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए? अच्छा, एल्डोल,
क्यों नहीं जा रहो? एल्डोल क्यों नहीं जा रहो? एलोफॉर्म एलोफॉर्म एल्डोल एल्डोल अब नाम से दिमाग में बेंजो फिनोन का इमेज आ रहा है क्या? बेंजो फिनोन आ रहा है नहीं आ रहा? सीओ का मुंडी दोनों तरफ बेंजीन, बताओ हेलो फॉर्म एल्डोल, क्या नहीं जा रहे? क्या नहीं जा रहे? ओके क्या दिमाग में बेंजो फिनोन का इमेज आ रहा है? वही था जो अभी था, एसिटोफिनोन का आ रहा है या नहीं आ रहा? एसिटोफिनोन में सीओ का मुंडी एक तरफ CH3 और एक तरफ बेंजीन, ठीक है, एक तरफ CH3 और एक तरफ बेंजीन, यह है बेंजोफिनोन। कौन है? बेंजोफिनोन। इसे हम बोल रहे हैं दोनों तरफ बेंजीन को बेंजोफिनोन, एक तरफ बेंजीन एसिटोफिनोन, दोनों तरफ CH3 एसिटॉन, दोनों तरफ CH3 एसिटॉन, बताइए हेलो फॉर्म क्या? मैंने फोटो बनाया है, ठीक है, हेलो फॉर्म हेलो फॉर्म हेलो फॉर्म हेलो फॉर्म हेलो फॉर्म, दोनों तरफ CH3, इसको बोलेंगे बेंजो फिनॉन, एक तरफ CH3 एसिटोफिनॉन, दोनों तरफ CH3, इसका नाम बताओ। हैं बताइए, एसिटोन हेलो फॉर्म देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल देगा, क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिड्यूस हो जाएगा, लास्ट क्या पढ़ा था भाई? ओके अगला हेडिंग लिखे हैं एसिडिक हाइड्रेशन। भाई यार फैन चला दे, माहौल गर्म हो रहा है, ये चला दे बाकी सब रहने। एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन जिस दिन ये टॉपिक हमारा चल रहा होगा उसको 2-3 दिन बाद ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, हेलोफॉर्म एल्डोल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगले 2 दिन बाद लास्ट लेक्चर होता है, आज एल्डोल होता, और आज ही के दिन पहले तो एसीटोन का फोटो याद करे ना, आज ही के दिन बेंजोफिनोन, आज ही के दिन फॉर्मेल्डिहाइड, आज ही के दिन एसिटाल्डिहाइड, और उसके बाद कौन देगा कौन नहीं देगा? जैसे जैसे मेहनत करके याद करके गए कि केनी जा रोटली अल्फा हाइड्रोजन जीरो, वहां याद ही नहीं आया कि एल्डिहाइड देता है, कीटोन में चिपका दिया, पहले ही चिपका है पहले ही बल्लेबाजी में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से, अगला रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 H+H2O, रिएक्शन का नाम है एसिडिक हाइड्रेशन। आज बच्चों हम यहां पर पानी से दारू बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पानी से दारू, ठीक है। अब पानी से अल्कोहल मतलब दारू कैसे बनता है इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, मगर उससे पहले हम इस डाइल्यूट H2SO4 का मतलब समझेंगे, क्योंकि हम रिएजेंट डिस्कस कर रहे हैं, रिएजेंट को देखकर हमें रिएक्शन एक क्लिक होती है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या प्रेजेंट है? पानी, ठीक है। तो H2O कोई पूछे कहां से आया कि हमने मिला है, कहां से आया? हमने मिला है, ताकि ये क्या बन गया? डाइल्यूट। बताइए H2SO4 क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस। तो बताइए ये H प्लस कहां से आया है? एसिड से। और ये डाइल्यूट पानी कहां से आया है? हमने मिला है, ठीक है। कई बार बच्चों एग्जाम में ऐसे लिखा होगा H+T2O, तो बताइए H प्लस कहां से आया है? एसिड से, और D2O हमने मिला है, ये पानी है या भारी पानी है? भारी पानी। कई बार ऐसे लिखा होगा D+H2O, बताओ D+ कहां से आया है? एसिड से, और H2O हमने मिला है, ठीक है। कई बार साहब ऐसे लिखा होगा T+D2O, बताओ T+ कहां से आया है? एसिड से, और D2O हमने मिला है।
बहुत सारे पापी ये सोचते हैं कि यह चीज ही से है, नहीं ये कहां से है, एसिड से, और पानी हमने मिला है। तो पहले तो बताओ रिएजेंट का मतलब समझे नहीं समझे। ओके, तो आज हम यहां पर पानी से दारू बनाने का एक प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस क्या है? एरो के ऊपर लिखा होगा या तो डाइल्यूट H2SO4 या फिर लिखा रहे H+H2O, तो दोनों रिएक्शन का मतलब क्या होगा? सेम। रिएक्शन में रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। कहां होता है कहां नहीं होता, डे वन लेक्चर में क्लियर था। क्या एसिडिक हाइड्रेशन में होगा नहीं होगा? होगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, OMDN नहीं होगा, HBO नहीं होगा, क्लोरीन ब्रोमीन वाटर नहीं होगा, हेलोजिनेशन नहीं होगा, मगर हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो साहब यहां पर लिखे इसके बारे में, लिखवाओ भाई, लिखे हैं, इफ अल्कीन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 और H+H2O, और H+H2O, देन इट विल प्रोड्यूस एल्कोहल, इट विल प्रोड्यूस एल्कोहल नेक्स्ट लाइन में लिखें, इन दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटाइन इज पॉसिबल। इन दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटाइन इज पॉसिबल। लिखा, बाकी नेक्स्ट लाइन में लिखो, सारे पॉइंट हाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह सेम है, तो वापस लिखने का कोई मतलब है नहीं। जो लास्ट क्लास में लिखा था, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, रेट कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो लिख लें, बाकी सारे पॉइंट हाइड्रोहेलोजिनेशन के सेम है, हाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह सेम है। जो भी आपको समझ में आया वैसे लिख लो, पीछे वाली रिएक्शन और इसके सारे पॉइंट सेम है। अब इसको आप क्या लिखना चाहते हो लिख लो, मेरे अकॉर्डिंग लिख लो, बाकी सारे पॉइंट्स हाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह सेम है। लिखा, चलो मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। साहब यहां पर मैकेनिज्म से रिएक्शन हम देख रहे हैं, एरो पर लिखा डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 सॉल्यूशन मिक्सचर में क्या प्रोड्यूस करेगा? H+। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है? H+। जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे हैं, बट रहे हैं, गाना गाते हुए कौन पहुंच जाता है? H+। तो जैसे ही H+ यहां पर पहुंचेगा, इस H+ को देखकर ये डबल बॉन्ड जो है ये अल्कीन पोलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोलर। पोलर होते ही कैटाइन या तो ए पर बनेगा या बी पर बनेगा, मुझे नहीं आता, आप बताओ कहां बनेगा? ए पर। एरो सही है गलत है? सही है। क्यों कैटाइन ए पर नहीं बनता? बनता है, मगर एरो के अकॉर्डिंग वहां क्या बन रहा है? एनआयन। तो अब बताइए एरो सही है या गलत है? सही है। यहाँ क्या बनेगा? एनआयन। एनआयन क्या खाएगा? H+। H+ को छुड़ने के बाद इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बो कैटाइन। और कार्बो कैटाइन के पास सल्फो हाइड्रोजन 3 और 1 4। तो जैसे ही यहां पर कार्बो कैटाइन बना, किसी बुजुर्ग ने आकर बोला कि करीना थारा ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होते ही करीना परेशान होगी या नहीं होगी? होगी। परेशान होते ही ये गाना गाएगी, मैं परेशान 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 परेशान। जैसे ही करीना परेशान हुई, अड़ोसी पड़ोसी का दिमाग खराब हो गया। इनके अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा, बेटा कार्बोकैटायन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा? जाऊंगा। 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या कैटाइन को रज्जु मिली? अल्फो मिली।
अल्फो कितना? 3 2 5 या 3 2 5? तो यहां पर अल्फा कितना? 5। और साथ में क्या मिली? रेट्रो। बताइए वहां से वहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो स्टेबिलिटी बढ़ते ही करीना जो है गाना चेंज कर दिया, तिल गार्डन गार्डन हो गया। मगर फिर से किसी ने बोला, करीना अभी भी तेरा ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। करीना ने गाना चेंज करा, मैं परेशा 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 परेशा। पड़ोसी फिर जो है दया आ गई, उन्होंने पूछा, बेटा अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? पूछा, बाढ़ में जाएगा? जाएगा। तो इस करीना ने बोला, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? वो चाहिए। यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर का लाइट जलाकर यहां पर बैठी हुई है, और जैसे ही इसने बोला मुझे वो चाहिए, ये आ गई, तुमने पुकारा और हम चले आए। और जैसे ही यहां पर आए, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही दोनों भिकमंगे घबरा गए। पॉजिटिव चार्ज आते ही दोनों भिकमंगे घबरा गए कि यार फिर इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किया है। अब ये दोनों जो है, दोनों भिकमंगे सोच रहे किसका नंबर आएगा, अगल का भी आ सकता है और बगल का भी आ सकता है। मगर धोखेबाज ने जो है जैसे ही स्केच निकालने की कोशिश की, इसने बोला उसको निकालो, इसने बोला उसके निकालो। फिर ऑक्सीजन ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करा, क्या करा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, और यहां से एच के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और इस एच को बेचारे को इस तरह से फेंक दिया गया जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। इसे आज तक समझ में नहीं आया मेरा कसूर क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किसने करा? ऑक्सीजन ने। और चीन किससे लिए? हाइड्रोजन से। तो साहब यहाँ पर एक दिन हाइड्रोजन जो है मोहल्ले से गुजर रहा था, मोहल्ले से गुजरते गुजरते इसने ऑक्सीजन से पूछा, तूने उस दिन ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? इसने बोला, पगले में नशे में थी। किसमें थी? नशे में, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट क्या बन गया था? दारू। ठीक है, अगर बच्चों यहां पर मैं H2O की जगह T2O यूज करता, बताओ पानी है या भारी पानी? भारी पानी होते ही अगेन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। किससे चिंता? टी से। तो वहां चिपकता क्या? ओडी। तो बताइए T2O से क्या चिपकेगा? ओडी। अगर यहां पर हम रिएक्शन का लेवल और बढ़ाकर CH3OH ले लेते हैं, तो यहां पर अटैक करता ऑक्सीजन का लोन पेयर, अगेन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। किससे छीनता? हाइड्रोजन से। चिपकता क्या? OCH3। क्या चिपकता? OCH3। तो यहां पर अगर H2 अटैक करेगा, बताओ चिपकेगा क्या? OH। D2 अटैक करेगा? OD। CH3OH अटैक करेगा? OCH3। ETOH अटैक करेगा? OTT या OET। इस तरह का कोई फोटो अटैक कर दे तो ओ ये क्या चिपकेगा? ओ ये चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। तो भाई साहब यहां पर हमने मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया, कहानी को डिस्कस कर लिया। अब साहब यहां पर हम आपके छोटे भाई जिसका नाम है RDS, क्या नाम है? RDS। RDS स्लो होता है या स्लोएस्ट होता है? अब यहां देखिएगा, ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्टेप फास्ट है या स्लो है? फास्ट। यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब वेकेंट है, यहाँ कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब ऑक्टेट कैसा हो रहा है? कंप्लीट। ये स्टेप कैसा है? फास्ट। यहां से यहां स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ये भी क्या है? फास्ट। मगर यहां से यहां जाने पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है, तो ये स्लो है, और इसके अलावा और कोई स्टेप बचा नहीं, तो इसे स्लोएस्ट बोलेंगे। और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाएगा? RDS। बताइए RDS स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जितना स्टेबल कैटायन रेट उतना सादा, सादा या कम? तो साहब यहां से अगर आपसे पूछा जाए EAR का रेट क्या ज्यादा, कल वाला टॉपिक अप्लाई कर देंगे। एसिडिक हाइड्रेशन का रेट किसका ज्यादा, कल वाले पॉइंट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए हाइड्रो हेलोजिनेशन का रेट किसका ज्यादा, कल वाले टॉपिक को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? आपसे पूछा गया बताओ A का रेट ज्यादा है, B का ज्यादा है या बराबर है? अब बताइए यहां पर आपको जो है ग्रुप लगाना है, मैंने NO2 लगाया, बताओ A का ज्यादा B का? CH3 लगा, CD3 लगा, CD3 लगा, OH लगा, साइनाइड लगा, कीटोन लगा, OH लगा, बेंजीन लगा है ए का, क्योंकि क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। तो चलिए ये तो कहानी हो गई पुरानी, अब यहां पर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें। तो जैसे ही क्वेश्चन के बारे में बात करें, सबसे पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जो है ये फोटो बना दिया, चलो ये वाला फोटो बना दिया, और एरो के ऊपर लिख दिया H+T2O। बताइए H+ कहां से आया? H2SO4 से। E2O कहां से आया?
हमने डाला। भले बताइए कैटाइन ए पर बनेगा बी पर, एच प्लस को जोड़ के क्या कार्बो कैटाइन बना या नहीं बना? बना बेटा। अड़ोस या पड़ोस? अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, अड़ोस में। तो वन और टू के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या आइसा कैटाइन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। फिर से पूछा, अड़ोस पड़ोस सड़ोस जाएगा, बाढ़ में जाएगा। बताइए एस टू हो या टी टू हो? टी टू हो। टी टू से क्या जुड़ जाएगा? ओ टू। तो एक स्टेप जो है वो ये वाला, मैंने जो है एस टू ने अटैक करा, डायरेक्ट क्या लिख दिया? ओ एच। टी टू अटैक करेगा, क्या लिख देंगे? ओ डी। मगर इसके बीच का एक और स्टेप होता है, ठीक है? तो बताइए यहां पर हमने क्या बना दी? दारू। क्या बना दी? दारू। तो बताइए एसिडिक हाइड्रेशन से प्रोडक्ट क्या बनता है? दारू। रीअरेंजमेंट वाली या विदाउट रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट। तो जब कभी भी आपको रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है, आप कौन से मेथड का यूज करेंगे? एसिडिक हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह का फोटो दे दिया और यहां पर लिख दिया डाइल्यूट H2SO4। पहले बताइए अल्किन के सामने डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, रिएक्शन का नाम है एसिडिक हाइड्रेशन। बताइए डाइल्यूट मीडियम से क्या आया? H2O। और H प्लस कहां से आया? H2SO4। पहले बताइए कैटाइन ए पर बी पर, एच प्लस को जोड़ने के बाद क्या बना? कार्बो कैटाइन। बताइए बेटा पड़ोस में या घर की बहू, क्या घर के अंदर आते ही करीना स्टेबल, रिंग स्टेबल होगी नहीं होगी? होगी। तो करीना घर की बहू बनेगी। पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। तो इस तरह से पुराने बंधन तोड़ दिए, नए बंधन जोड़ दिए, और इस टू के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगर इसको मैं सिमेट्रिकली लिखना चाहूं तो सिमेट्रिकली कितना मेंबर रिंग है? सिक्स। और सिक्स मेंबर रिंग पर यहां पर जो है एक क्या जुड़ा है? मिथाइल। और जहां मिथाइल जुड़ा उसके बगल वाले पर कार्बोकैटायन यहां बना, यहां बना है? क्या बेटा अड़ोस जाएगा, पड़ोस जाएगा, पड़ोस जाएगा। तो अगेन वन और टू के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड। अब बताइए पानी पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे? पिलाएंगे। पानी पिलाते क्या बन गई? दारू। क्या बन गई? दारू। तो इस तरह से यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहां भी कई प्रोडक्ट में काइरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो उसे दो बार काउंट करेंगे, एक तो राखी और एक सावर, जो कि बराबर बराबर बनेंगे, उस मिक्सर को क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सर। तो यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बन सकता है? रेसिमिक मिक्सर। कब? जब क्या बन रहा होगा? काइरल सेंटर। तो बताइए क्या आपको रिएक्शन समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो साहब यहां पर एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर एरो पर लिख दिया एच प्लस एस टू ओ। पहले तो बताओ EAR या FAR? अच्छा बताइए केटाइन ए पर बनेगा बी पर, एच प्लस को जोड़ने के बाद क्या बनेगा? कार्बो केटाइन। अगर केटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो अड़ोस पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब साहब बेटा अड़ोस में जाएगा मगर शिफ्ट होने के लिए हाइड्राइड नहीं है, और जब हाइड्राइड नहीं होता तो क्या शिफ्ट होता है? अल्काइल। अब अल्काइल में अगर छोटा भाई बड़ा भाई हो तो कौन शिफ्ट हो? बड़ा भाई। बड़ा भाई और मोटा भाई, मोटा भाई और मोटा मोटा भाई। मान लीजिए बच्चों एक मिथाइल होता है एक इथाइल होता तो क्या शिफ्ट होता है? इथाइल। एक इथाइल और एक आइसोप्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल एक टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो वन और टू के बीच में यहां पर शिफ्ट कर देंगे क्या? हाइड्राइड में नहीं, क्या शिफ्ट करेंगे? मिथाइल। तो यहां से मिथाइल शिफ्ट करने के बाद इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसी कार्बोकेटाइन को जब हम पानी पिलाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ चुका है, और जैसे ही इसे H2 से पानी पिलाया जाएगा, बताओ H2 से क्या जुड़ जाएगा? OH। और इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। कई बार बच्चों हो सकता है जो फाइनल प्रोडक्ट बने उसका IUPAC नाम आपको एग्जाम में दिया रहे, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन IUPAC वाला लगाना पड़े। बताओ IUPAC में पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन। पहले बताओ ये वाला प्रोसेस समझ में आया? बताइए हाइड्राइड शिफ्ट हुआ या अल्काइल? तो हमने क्या शिफ्ट करा दिया? मिथाइल। मिथाइल शिफ्ट करने के बाद केटाइन को क्या पिला दिया? पानी। पानी पिलने के बाद प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब जो प्रोडक्ट बना इसमें सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर किया, नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले क्या आ रहे हैं? टॉन। टॉन अगल से पहले आ रहे हैं बगल से? अगल से। तो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग होगी, नंबरिंग के बाद क्या करें? नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, साइड ब्रांच थर्ड पर भी है और टू पर भी है, तो क्या लिखेंगे? टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ऑल। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एल। चलिए अब हमें क्या करना है? हवा में एच प्लस ऐड करना है, हवा में एच प्लस ऐड करना है, हवा में ही कार्बोकेटाइन बनाना है, हवा में ही अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो कराना है, और हवा में ही H2O से क्या लगाना है? OH।
और जो प्रोडक्ट बने उसका रियल में आईयूपीएसी नाम बताना है, वो हवा में नहीं चलेगा। ठीक है, तो भैया एस टू ऐड करा, पहले तो बताओ कैटाइन ए पर बी पर ये कहीं पर ऐड कर दो, कैटाइन बनाओ, अल्फा गिनो, बताओ कितने हैं, गिन लो है। ठीक है, इतने हैं तीन, अड़ोस पड़ोस में ले जाना है, पानी पिला दो। ओएच जुड़ गया, दो कार्बन पे ओएच जुड़ा है, मिथेनॉल या इथेनॉल। ओके, यहां पर मैंने फोटो बनाया, बताओ कैटाइन ए पर बी पर बना दो, रीअरेंजमेंट कराना, कैटाइन बन गया, अल्फा गिनो है, छह या सात, अड़ोस पड़ोस में ले जाना है, पानी पिला दो, दारू की खुशबू आ गई, नाम बताओगे, प्रोपेन टू ऑल। चलिए कैटाइन बना दो, ए पर बी पर अड़ोस पड़ोस में ले जाना है। अच्छा, ए पर जो कैटाइन बना उस पर अल्फा गिनो, पानी पिलाओ, ओएच जोड़ो, नाम बताओ, ब्यूटेन टू ऑल। गेम का लेवल बढ़ता हुआ, अब बढ़ाएंगे लेवल का, दिक्कत है। ठीक है, बताओ कैटाइन ए पर बी पर बना दो, अल्फा गिनो, कितने हैं, पानी पिलाओ, ओएच जोड़ दिया, नाम पेन यूज करके लिख सकते हो क्या? ओके okay. अच्छा ये बताओ, पहले तो यही बना बेटा, यही बना है या नहीं बना है? चलिए ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब अगली कहानी के बारे में हम बात करें, और वो कहानी क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत खतरनाक पॉइंट है, इसमें एक कौन सा भूल लगेगा जिसकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है। पहले बताओ कैटाइन ए पर बी पर एरो के ऊपर लिखा डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब पानी है या नहीं है, पानी का मतलब यहां पर H+ and H2O। बताइए कैटाइन ए पर बी पर, ए पर H2O से क्या जुड़ जाएगा, OH, और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा, H। क्या हमने एक पाई बॉन्ड को हटाकर डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं ई, OH को बोलते हैं ऑल, कौन सा फॉर्म है, इनॉल। और भाई साहब जनरली कीटो इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, कीटो, बट अगर इनॉल एरोमेटिक हो जाए तो कौन स्टेबल होगा, इनॉल। एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए तो इनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो इनॉल। क्या ये साइक्लिक है, तो एरोमेटिक तो नहीं है। क्या कोई लंबा रेजोनेंस हो रहा है, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी नहीं है। तो ये इनॉल स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, रैपिडली टॉटोमराइज होगा। अब रैपिडली टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसमें, कीटो में। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, फिर एरो भी बता दूंगा। बताओ OH जो है अगल में जुड़ा है या बगल में, जहां OH जुड़ा है वहां डबल बॉन्ड O बना देना, जहां OH जुड़ा वहां क्या बना देना, डबल बॉन्ड O, और बाकी हाइड्रोजन जोड़ देना। बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन, तीन। चलो जहां OH जुड़ा वहां क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ तीन, यहाँ तीन। बताओ इसका नाम बेंजोफिनोन या एसिडोफिनोन या एसिडॉन, हेलो फॉर्म देगा, एल्डोल देगा, आगे नेम रिएक्शन में कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये एबीसीडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, तो पहले बताओ क्या ये कहानी समझ में आया या नहीं आया। ओके, पहला डाउट यहां पर ये तो ठीक है। अब एरो से देखते हैं, बताओ क्या पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस हो रहा है। अब ये कैसे बना, एरो से देख लेते हैं। जैसे ही लोन पेयर यहां आएगा, यहां क्या बन जाएगा, दबाव, और पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर, और लोन पेयर इस एच को खा जाएगा, तो ये CH2 से क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, एक साथ कितने एरो घूमे, तीन। ओके, अब हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास कि इस तरह से जो है हम क्वेश्चन पे टाइम लेंगे। डाइल्यूट H2SO4 दिया, पहले तो बताओ इन है या आइन है, केटाइन ए पर बी पर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम आयन से रिएक्शन कराते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ लिखा होता है HGSO4। क्या लिखा होता है, HGSO4। 2 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एज इट इज ये उठकर आया था, और एग्जाम में ये पूछा कि भैया एक तो ए अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना, और उसके बाद टॉटोमराइज होकर कोई बी बना, उसने ए और बी दोनों पूछे थे, तो बताइए ए कौन सा फॉर्म है, इनॉल, और बी कौन सा फॉर्म है, कीटो। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले बताओ केटाइन ए पर बी पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ में क्या दिया होगा, HGSO4। अब बताओ केटाइन ए पर बी पर, ए पर क्या जुड़ेगा,
एस टू ओ से क्या जुड़ेगा, ओ एच, वहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बताइए एल्डिहाइड बना कीटोन, कीटोन में कितनी करीना, तीन। अच्छा अब बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर, सोच लो ए पर बी पर, ए पर एस टू ओ से क्या जुड़ जाएगा, ओ एच, बाद में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। समझ में आ रहा है? ओके, ये रट के गए एग्जाम में, ये फोटो आ जाएगा। बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर, ए पर एस टू ओ से क्या जुड़ जाएगा, ओ एच, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बन जाएगा, सी एस थ्री। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका नाम बता सकते हो, एसिडोफिनॉन। जो प्रोडक्ट बना है एसिडोफिनॉन, हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, केनिजारो देगा। ओके अगला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। पहले तो बताओ सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच इन याइन, इसका नाम क्या है, एसिडाइलिन। रेड हॉट कबड्डी में डालना आता है, क्या बनता है, बेंजीन बनाना आता है। भैया ये चमकना चाहिए था रिएजेंट, तो वही मैंने काम किया, आपको चमकने लगा है। यहां पर अब हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4 और साथ में ऐड कर दिया HgSO4। पहले बताइए EAR है या FAR, EAR, कैटायन ए पर बी पर या कहीं पर भी, कहीं पर भी एक जगह क्या जुड़ जाएगा, OH, और बगल वाले पर H। कौन सा फॉर्म है, इनॉल, टॉटमराइज होकर किसमें, कीटो। अब देखो कैसे, जहां डबल बॉन्ड ओ है वहां, जहां ओ एच है वहां क्या बना, डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ कितने लगेंगे, यहाँ कितना लगेगा, एल्डिहाइड है कीटोन, मुझे नहीं आता एल्डिहाइड है कीटोन, फॉर्मल डिहाइड या एसीटोन, बताइए। हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, केलीजारो देगा, केलीजारो क्यों नहीं दे रहा। अच्छा बताइए एल्डोल के लिए कितने अल्फा, एल्डोल के लिए कितने अल्फा, और हेलोफॉर्म के लिए, और टोलेन के लिए, कंट्रोल ठीक है, हेलोफॉर्म के लिए एल्डोल क्यों नहीं जा रहे, देगा या नहीं देगा। ABCD बताओ, एल्डोल हेलोफॉर्म, हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा, कहीं नहीं जा रो, देगा या नहीं देगा। सोडियम बोराइडेट कितनों को, किस किस को, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा, एल्कोहॉल। घेरेंगे अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर एबीसीडी का मजा लेंगे। छापिए, थैंक यू, किस बात के लिए थैंक यू, ये तो मेरा फर्ज है पढ़ाने का, किस बात के लिए थैंक यू। ठीक है कल क्लास थोड़ी है आपका, खाना भी खाना है, अरे बार बरसात आ रही, पहुंच ही नहीं पाओगे। है अच्छा, जब भरी बारिश में क्लास आ सकते हैं तो खाना खाने तो जाएंगे अभी तो बहुत टाइम है भाई।
क्या ज्ञान पिला रहा तू है? हाँ भाई, हाँ भाई, क्या कह रहा है? क्या बोल रहा? अच्छा, देख रहा है। अच्छा, अच्छा डन स्टार्ट।
मतलब एच जी प्लस दिया ही होगा वहां पे, गिवन होगा, ठीक है। गणेश भाई बाहर पूछ लेंगे, ठीक है। ये छाप लिया क्या? कोई मैकेनिज्म का कोई स्पीड स्टेप दोबारा रिपीट करना? कोई स्टेप नहीं? अच्छा ये कंप्लीट है, नोट कर रहे हो इसे? इस वाले पोर्शन को कौन नोट कर रहा है? अगला रिएक्शन लिखें, ओ एम डी एम फॉक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। ओ एम डी एम का फुल फॉर्म लिख लें, फॉक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। अब आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, मगर स्टार्टिंग के दो रिएक्शन के मैकेनिज्म याद होना बहुत जरूरी है। उसमें है हाइड्रोहेलोजिनेशन और एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन में हमने पानी से दारू बनाई, क्या बनाई है? दारू। बताइए एसिडिक हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? होगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। ओएमडीएम, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, एचबीओ, एचबीओ बोले तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये छाप लिया। देखो जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, इसमें बहुत सारी जगह ऐसे फर्जी तरीके से भी बता दिया जाता है कैसे, एक बार बहुत ध्यान से सुनना, मगर गलत तरीका है वो। और वो इसलिए बता दिया जाता है फर्जी क्योंकि आगे एक कॉन्सेप्ट लगता है, वहां एक्सप्लेन करना बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए एक ही फर्जी तरीका बता के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर, ए पर एच टू से क्या जुड़ गया? ओ एच। और ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल, जो कि क्या है? अनस्टेबल। ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो राइज होके कौन से फॉर्म में चला जाएगा? कीटो। हो सकता है कई जगह ऐसे बता दिया जाता है कि दोबारा फिर से रिएक्शन करा के कैटाइन की जगह वापस क्या जोड़ दिया जाता है? ओएच। और सेम कार्बन पे दो एच ग्रुप क्या है? अनस्टेबल। क्या निकल जाता है? पानी। पानी निकल कर क्या बन जाता है? यही, ठीक है, मगर तरीका गलत है।
रिएक्शन तो दोबारा तब होगी ना जब ये एग्जिस्ट करे। ये तो हाईली क्या है, अनस्टेबल। तो टॉटोमराइजो के किस फॉर्म में चला गया, इसमें। ठीक है, ये अभी रीसेंट ईयर में जब नीट एग्जाम में पूछा गया तो पूछा गया कि इसका रिएक्शन कराया तो कोई पहले एक इंटरमीडिएट पार्टिकल ए बना जो इस तरह का एरो देकर वापस जो है पार्टिकल बी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ए ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ था, अगर ए होता वैसा तरीका होता तो ये भी तो हो सकता था भाई। ठीक है, नहीं दिया मतलब फर्जी कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, तो चलिएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे एक एक रिएक्शन आती है जिसमें दो बार रिएक्शन होती है और यहाँ एक ही बार में टॉटोमराइज होता है, तो दोनों को कंपैरिजन के साथ एक्सप्लेन करना भारी पड़ जाता है। तो इसलिए एक ही तरीका बता के निकल जाते हैं, मगर ऐसा गलत है। पहले बताओ दूसरी बार रिएक्शन क्यों नहीं हुई, टॉटोमराइज क्यों हुआ? अगर स्टेबल होता तो इस पे दोबारा रिएक्ट करता नहीं करता, करता। ठीक है, तो चलिएगा। यहां पर कहानी को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। रिएक्शन का नाम लिखते हैं ओएमडीएम। ओएमडीएम का फुल फॉर्म है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। सबसे पहली बात पूरी रिएक्शन की, बताओ इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मगर कैटाइन कहां बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। फटाफट से बताइए, कैटाइन जो है ए पर बनेगा बी पर बनेगा? ए पर। अब बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ओएमडीएम में भी दारू ही बनती है, ओएमडीएम में भी दारू बनती है, मगर विदाउट रीअरेंजमेंट वाली। कौन सी? विदाउट रीअरेंजमेंट वाली। पहले बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर? है, ओएमडीएम में रीअरेंजमेंट होगा, ए वाले पर क्या बन जाएगी? दारू। ठीक है, यहां भाई साहब ये वाला फोटो दे दिया, इस तरह का फोटो लिखकर आपसे पूछा, बताइए केटाइन ए पर बनेगा बी पर बनेगा? है, क्या ओएमडीएम में रीअरेंजमेंट होगा, ए वाली जगह क्या बन जाएगी? दारू। यहां पर साहब जो है ये वाला फोटो आपको दे दिया, डबल बॉन्ड CH3 CH3 के साथ, बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर, और ए पर ही क्या बन जाएगी? तारु। बताइए ए में मतलब ओएमडीएम में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? प्रोडक्ट तो कार्बो कैटाइन से ही बनाना है, मगर यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब रीअरेंजमेंट नहीं है तो इसमें मैकेनिज्म का हमें कोई जरूरत नहीं है। तो पहले बताइए लास्ट के दोनों मैकेनिज्म क्लियर है या नहीं है? है, तो लिखें इसके बारे में। इफ अल्कीन रिएक्ट विद मरकरी एसीटेट एंड वाटर, इफ अल्कीन रिएक्ट विद मरकरी एसीटेट एंड वाटर, देन इट इज नोन एज अ ऑक्सी मर्क्यूरेशन, देन इट इज नोन एज अ ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑन फर्दर रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑन फर्दर रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड नोन एज अ डीमर्क्यूरेशन, ऑन फर्दर रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड नोन एज अ डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटाइन इज नॉट पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटाइन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, बिकॉज साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट। ये फोटो बना लो ब्रैकेट में,
साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉव के ओ वी, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, बुढ़ापा लिख लो नेक्स्ट लाइन में। जहां स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, जहां स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, वहां पर अल्कोहल बनाना है। जहां स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा वहां पर अल्कोहल बनाना है। ठीक है, बोर्ड पर देखें, रिएजेंट पहचानना है। एरो के ऊपर लिखा मर्करी एसिटेट एंड वाटर, साथ में सोडियम बोरोहाइड्रेट लिखा, तो ये रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। पहले बताओ क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा? बाई बॉन्ड कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग घूमेगा। बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर? एरो सही घुमाया गलत घुमाया? सही घुमाया। और जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां H2O से आपको क्या जोड़ना है? OH। तो बताइए H2O से इस ए वाले कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? OH। और बगल वाले कार्बन पर NaBH4 से क्या जोड़ना है? H। भाई साहब अगर यहाँ H2O की जगह T2O होता तो बताओ यहाँ क्या जुड़ता? OD। क्या होता? OD। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, उसका रीजन इतना सा है कि जो कैटाइन बनता है उसे मर्करी अपना क्या दे देता है? लोन पेयर, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब जैसे साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया और ये लिख दिया, एरो पर रिएजेंट देखकर बताओ एसिडिक हाइड्रेशन है या OMDM। अच्छा सेकंड में, एरो पर रिएजेंट देखकर बताओ एसिडिक हाइड्रेशन है या OMDM। पहले बताओ क्या दोनों में प्रोडक्ट दारू बनता है या नहीं बनता है? बताइए क्या एसिडिक हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? पहले स्टार्टिंग में यहाँ केटाइन कहां बनेगा? पी पर। बेटा पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। और वहां H2O से क्या जुड़ जाएगा? OH। और यहाँ बताइए रीअरेंजमेंट पॉसिबल नॉट पॉसिबल? मगर स्टेबल केटाइन ए पर बनेगा पी पर? पी पर है, पी पर। और पी पर H2O से क्या जुड़ जाएगा? OD, OH। और अगर D2O होता तो क्या जुड़ जाते? क्या आपको कहानी ये समझ में आया या नहीं आया? मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, मगर स्टार्टिंग के दो में मैकेनिज्म का जरूरत है। छापो। मॉड्यूल 3 है क्या किसी के पास? रेस का बहुत सारा होमवर्क देना बाकी रह गया भाई। ठीक है, एक साथ एक ही जगह लिखना पड़ेगा होमवर्क, है रेस वाला तो है, लिख लोगे? दे भाई रेस। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 138, एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 138, मॉड्यूल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 33, इसी में क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर इसी के आगे कंटिन्यू हो जाएगा भाई, क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 145,
पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3, एंड अब रेस का होमवर्क नहीं, इसी में क्वेश्चन नंबर 31, सेम एक्सरसाइज में कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 31। अब रेस का होमवर्क ईएआर का तो यही लिखवा देता हूं जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, या सारा यही लिखवा दूं। लिखो रेस नंबर 5, पेज नंबर 75, रेस नंबर 5, पेज नंबर 75 पर क्वेश्चन नंबर 1, 5, 1, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, रेस नंबर 6, पेज नंबर 79, रेस नंबर 6, पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रेस नंबर 8, पेज नंबर 85 पर क्वेश्चन नंबर 8, रेस नंबर 10, पेज नंबर 90 पर, रेस नंबर 10, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, रेस किसके लिए? चलिए थैंक यू। देखो 25 तारीख को आपका टेस्ट है, जो अपना पेपर होने वाला है उसमें भर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, पूरा रिएक्शन जितना हम 20 तारीख तक पढ़ लेंगे, ठीक है, और हमारे ये जिस दिन से रिएक्शन हेडिंग डाला वहां से, ठीक है, जिस दिन से रिएक्शन हेडिंग डाला वहां से पेपर आएगा, और पेपर ए से बी, बी से सी, ए बी सी डी आएगा, पूरा ए बी सी डी, सारे रिएजेंट्स वगैरह,